अस्सलाम वालेकुम। हम आपको केरड कॉलेज एडमिशन चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको मेडिकल कॉलेज जन्म की जो एडमिशन हो रही है 8 क्लास की 2022-23 की, उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ समझाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एडमिशन की डेट क्या है। तो इसकी जो अप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो है 5 अक्टूबर विद सिंगल फीस। सिंगल फीस इसकी 2500 रुपये। और जो 5 अक्टूबर तक अप्लाई नहीं कर सकते उनके फिर डबल फीस के साथ इसकी अप्लीकेशन जाएंगी और उसकी फ़ीस है 5000 और उसकी डेट है 15 अक्टूबर 2022। और इसका रिटर्न टेस्ट होगा 30 अक्टूबर 2022। तो इसमें सबसे पहले कि कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और कौन से बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो बच्चे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जो क्लास 7 और क्लास 8 में पढ़ रहे हैं वो तमाम बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और उनकी एज एज ऑन 1 अप्रैल 2023 को 11 साल 9 माह से कम ना हो और 14 साल 3 माह से ज़्यादा ना हो, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये देखना है कौन से बच्चे जो अप्लाई नहीं कर सकते, वो बच्चे जिनके पाँव फ्लैट हों वो अप्लाई नहीं कर सकते, जिनको बवासीर हो वो अप्लाई नहीं कर सकते, जिनको हेपेटाइटिस सी हो वो अप्लाई नहीं कर सकते, जिनकी नी नाकिंग हो वो अप्लाई नहीं कर सकते, जिनका कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ है और हड्डी टूटी तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो अभी देखना है कि इसका सिलेबस जो पेपर लेते हैं तो कहाँ कहाँ से उठाते हैं। तो इनका ये 20% सिलेबस उठाते हैं 5 क्लास पंजाब टेक्स्ट बोर्ड, 20% 6 क्लास पंजाब टेक्स्ट बोर्ड और 60% 7 क्लास पंजाब टेक्स्ट बोर्ड। ये तो इसका सिलेबस। आगे इसके पेपर, 200 नंबर है ऑब्जेक्टिव और 100 नंबर है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आप पहले आ जाएं। ऑब्जेक्टिव में इंग्लिश 50 MCQs 50 मार्क्स, मैथ 50 MCQs 50 मार्क्स, साइंस 50 MCQs 50 मार्क्स, उर्दू 30 MCQs 30 मार्क्स, इस्लामियात फॉर मुस्लिम एंड पाक स्टडी फॉर नॉन मुस्लिम 20 MCQs 20 मार्क्स। उसके बाद आप सब्जेक्ट पे आ जाएं, उसके सिर्फ 2 पेपर होते हैं, एक इंग्लिश का 50 नंबर का और एक उर्दू का 50 नंबर का। तो इंग्लिश में पैराग्राफ होता है 100 से 150 वर्ड्स का जो आपने लिखना है, उसके 15 मार्क्स। उसके बाद एक लेटर है 15 मार्क्स उसके, उसके बाद आइडियम्स है 10 मार्क उसके, उसके बाद एक पैराग्राफ होता है जिसका आपने तर्जमा लिखना होता है उसके हैं 10 मार्क्स, तो 50 मार्क पूरे हो गए। उसके बाद उर्दू का भी वो भी 50 नंबर का है, उसमें एक आप मजमून लिखेंगे 15 नंबर का, एक अप्लीकेशन लिखेंगे 15 नंबर की और 2 अशार लिखेंगे 5-5 नंबर के, 1 अशार 10 नंबर और कुछ 5 सेंटेंस हैं जो आपने जुमल में इस्तेमाल करने दें 10 नंबर का, वो ये भी 50 नंबर पूरे हो गए। तो ये इनके मार्क्स थे और फीस मैंने आपको बता दी है। तो ये क्लास 8 की हमने बात की है। तो इसके अलावा अगर कोई क्यूरी किसी को हो या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हो तो ये व्हाट्सएप नंबर मैंने लिख दिया है वीडियो के ऊपर, आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। और इससे अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह मेडिकल कॉलेज मरी के बारे में इसी तरह इन डिटेल समझाएंगे आपको। और इसका बता दूं मैं थोड़ी सी चीज़ और कि जब इसका 30 अक्टूबर पेपर हो जाएगा तो आफ्टर 1 मंथ इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद इंटेलिजेंस होगा। इंटेलिजेंस इनके 20 मिनट टाइम देते हैं और 60 MCQs होता है। जो बच्चा इंटेलिजेंस होकर करता है उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है, जब इंटरव्यू हो जाता है तो उसके बाद उसका मेडिकल होता है। जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी और इनकी सीट्स हैं मेडिकल जन्म की 116। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।